सभी को नमस्कार। तो आइए स्वागत करते हैं क्वाड्रसेप्स का इंडिया के ट्रांसफर फैक्टर प्लस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ रेगुलेटरी चेंजेस के कारण हमें हमारे प्रोडक्ट ट्रांसफर फैक्टर प्लस में से क्वाड्रसेप्स को कुछ समय के लिए हटाना पड़ा था। अब हमें बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हम क्वाड्रसेप्स को इंडिया के ट्रांसफर फैक्टर प्लस में वापस ला चुके हैं हमारे फॉर्मुलेशन में, और साथ ही साथ हमने इसको एक और इंग्रेडिएंट से अपग्रेड किया है। तो आइए जानते हैं ट्रांसफर फैक्टर प्लस के बारे में, इसमें जितने भी मौजूद इंग्रेडिएंट्स और हर्ब्स हैं उनके बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफर फैक्टर प्लस का सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है ट्रांसफर फैक्टर ट्राईफैक्टर फार्मूला। ट्रांसफर फैक्टर ट्राईफैक्टर फार्मूला जो है इस प्रोडक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। और ये जो इंग्रेडिएंट है ये छोटे छोटे अणु होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम के जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसमें आपकी सहायता करते हैं। तो ट्रांसफर फैक्टर्स जो हैं इस नेटवर्क का एक अद्वितीय हिस्सा होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक इम्यून इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ट्रांसफर फैक्टर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये आपकी इम्यून सिस्टम की बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को जिस तरीके से काम करना है उस तरीके का काम करने के लिए एक पुश देते हैं। तो अगर आप देखें आपके शरीर में सैकड़ों इम्यून सेल्स होते हैं और ये सारे इम्यून सेल्स जो हैं इनका अलग अलग तरीके का रोल होता है आपके शरीर को स्वस्थ रखने का और आपके इम्यूनिटी को बनाए रखने का। तो अब ट्रांसफर फैक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसफर फैक्टर्स आपके इम्यून सेल्स को एक पुश देते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंज या फिर किसी भी तरह के खतरे को पहचान सके, प्रतिक्रिया दे सकें और याद कर सकें, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं टू रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्ड एंड टू रिमेंबर। तो ट्रांसफर फैक्टर्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके इम्यून इन्फॉर्मेशन को दक्षता और समन्वय यानी कि एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। और ये जो ट्रांसफर फैक्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे ट्रांसफर फैक्टर प्लस को यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं इन द मार्केट, क्योंकि अगर आप देखें मार्केट प्लेस में इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें ट्रांसफर फैक्टर एडेड हो और इतने सारे हर्ब्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ। तो ये जो इंग्रेडिएंट है ये हमें हमारे प्रोडक्ट को टॉप नॉच बनाता है, क्योंकि फोर लाइफ एक ऐसा कंपनी है जिनके पास अनुभव है और एक्सपर्टीज है ट्रांसफर फैक्टर्स के बारे में। ट्रांसफर फैक्टर प्लस में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ट्रांसफर फैक्टर ट्राईफैक्टर फार्मूला के इम्यून रिस्पॉन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि पूरक करते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो अगर आप देखें ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कॉम्बिनेशन में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति प्रदान करते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ उसको और बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद करते हैं। और इस तरह का इंग्रेडिएंट और इस तरह का फार्मूला आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IP6 के बारे में, जिसको कहते हैं आइनोसिटोल हेक्साफॉस्फेट। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो खाद्य पदार्थों में फाइबर के साथ पाया जाता है और इसकी एक खासियत होती है कि ये सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन यानी कि वृद्धि और विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देते हैं, इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए। तो अगर आप देखें आइनोसिटोल हेक्साफॉस्फेट एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपके बॉडी सेल्स को सपोर्ट करता है और आपके ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स में भी मददगार होता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो एक फाइटोस्टेरॉल है जिसका नाम है ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसे जैतून के पत्ते का अर्क भी कहा जाता है। अब अगर आप साधारण भाषा में कहें तो फाइटोस्टेरॉल्स क्या होते हैं, फाइटोस्टेरॉल्स ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि पेड़ पौधों से निकले हुए स्टीरॉल्स या फिर स्टीरॉइड्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करने का काम करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ठीक करने का काम करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन जो है ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये इन्फेक्शन या फिर डैमेज वाले क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करने और इम्यून रिस्पॉन्स को अधिक सक्रिय करने के लिए होता है। हालांकि अधिक इन्फ्लेमेशन एक बुरी बात है आपके शरीर के लिए, इसलिए आपके इम्यून सिस्टम को इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने फिर इसे कम या हटा देना आना चाहिए जब इसकी ज़रूरत ना हो। ओके, सो फाइटोस्टेरॉल्स और ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट ये दोनों कार्यों में आपके इम्यून सिस्टम का मदद करता है। अब हम आखिरी ग्रुप ऑफ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है पॉलीसैकेराइड्स। तो ट्रांसफर फैक्टर प्लस में जो पॉलीसैकेराइड्स एडेड हैं वो है मिटाकी शिटाकी मशरूम, एलोवेरा, बेकर्स ईस्ट और साथ ही साथ स्कॉर्डिसेप्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो स्टार्च होते हैं। तो ये जो होते हैं ये मीडियम से लॉन्ग चेन शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये एक अगर आप देखें एलोवेरा, ओट्स और जो ईस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक लिसलिसापन और एक खिंचाव प्रदान करते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपके इम्यून
इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ावा देते हैं। और अगर आप देखें इनमें जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनमें ये बैक्टीरियाज की तरह होते हैं, बैक्टीरियाज के समान होते हैं, और ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ावा देते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम को इस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। जब आपका इम्यून सिस्टम सही तरीके से पॉलीसैकेराइड्स को पहचानता है तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स को और बेहतरीन बनाता है और आपकी इम्यून सेल्स को एक सतर्कता और तेजी प्रदान करता है। तो अगर आप पॉलीसैकेराइड्स को देखें, ये बहुत तरह के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं नेचर में, तो हमने इस प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स डाले हैं क्योंकि हर पॉलीसैकेराइड की कुछ अलग यूनिक इंपॉर्टेंस होती है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इस प्रोडक्ट में ऐड किए हैं, ये वेल रिसर्च इंग्रेडिएंट है और आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो हमने कॉर्डिसेप्स इसमें ऐड किया है वो इस फॉर्मूला को और इम्पैक्टफुल बनाता है। कॉर्डिसेप्स मूल रूप से हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत घाटियों में पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट है। यह दुर्लभ था, खोजने में कठिन था, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत यूनिक थे। पहले यह केवल राजाओं के लिए उपलब्ध होने वाला उपाय था। अब इसकी खेती बढ़ गई है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। इम्यून फंक्शंस की अगर बात करें तो कॉर्डिसेप्स ऐसे केमिकल्स या रसायन को रिलीज करते हैं जो कि इम्यून सेल्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। फोलेट ट्रांसफर फैक्टर द्वारा प्रदान किए जाने वाले कम्युनिकेशन बेनिफिट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा पूरक है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट है। और ये था संक्षेप में हमारे ट्रांसफर फैक्टर प्लस ट्राइफैक्टर फॉर्मूला के बारे में। आप मेक श्योर कीजिए कि इस इंग्रेडिएंट को, इस प्रोडक्ट को आपके सप्लीमेंटेशन रूटीन में ऐड करें। एंड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।